हाय, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं सिंपली। तो आज का पढ़ने वाले हैं, सिंपल सी प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। डैट इज़, मुझे ना क्या करना है, मुझे पावर कैलकुलेट करनी है। एक वेरिएबल है, बेसिकली मुझे ए रेज़ टू पावर बी कैलकुलेट करना है। कहने में तो बहुत ईजी लगता है यार, वो फंक्शन नहीं होता जावा के अंदर या फिर सी प्लस प्लस पाइथन, ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज के अंदर होता है। तो करते क्या है, वो फंक्शन कॉल कर देंगे, जैसे कि जावा के अंदर होता है मैथ डॉट पावर, और ए रेज़ टू पावर बी, बेसिकली ए डॉट बी कॉल कर दो, सिंपल सा फंक्शन। तो इसमें नया क्या है, नया इसमें यह है कि यार ये वर्क कैसे करता है। मेन पॉइंट ये कि वर्क कैसे करता है, हमने तो यूज़ कर लिया ना, मुझे थोड़ा पता बिहाइंड द सीन काम कैसे करता है। तो बिहाइंड द सीन देखते हैं कैसे वर्क करता है। वैसे तो बिहाइंड द सीन लोग रिकर्जन यूज़ नहीं करते हैं, आइटरेटिवली भी किया जा सकता है, बट अभी के लिए मैं इसका एक बहुत ही ईजियर वर्जन जो कि है रिकर्जन, उसके थ्रू करवा के करवाने की कोशिश करता हूँ। बट उससे पहले जानते हैं बेटर, मतलब बेटर सोल्यूशन अगर मूव करने से पहले बेकार सोल्यूशन की बात करेंगे हम। तो अगर मान लो मुझे पावर निकालना है ए रेज़ टू पावर बी का, एंड मेरा कोई दोस्त है, अगेन माई फ्रेंड, बेसिकली मेरी रिकर्सिव कॉल, जो रिकर्सिव कॉल है मैं उसकी बात करता हूँ। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, यार दोस्त एक काम करेगा, मुझे ना पावर ऑफ ए बी निकालना नहीं आता है, मेरे लिए प्लीज़ यार ए रेज़ टू पावर बी माइनस वन निकाल के दे दे। तो मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, दोस्त ने बोला ठीक है भाई, तूने बोला है तो कर देता हूँ मैं। पावर ऑफ ए रेज़ टू पावर बी माइनस वन निकाल दिया उसने, उसने मुझे आंसर ला के दे दिया। ठीक है, तो ये मुझे आंसर कॉल बैक मुझे मिल चुका है। सो नाउ आई हैव माय कॉल बैक कि ए रेज़ टू पावर बी माइनस वन तो आ गया। अब आप ये सोचो कि ए रेज़ टू पावर बी माइनस वन से मैं ए रेज़ टू पावर बी कैसे बनाऊँ। अगर आपने ठीक ठाक सोचा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि इसको ना जस्ट ए से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको ए रेज़ टू पावर बी निकाल के दे देगा, सिंपल। तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक फंक्शन कॉल करा, जैसे कि मैं लिख के दिखाता हूँ तो ज़्यादा ही बेहतर समझ में आएगा। पब्लिक स्टैटिक पावर बेसिक, हम बहुत ही बेसिक वाला कर रहे हैं, बेसिक से लोग हैं तो बेसिक तरह करेंगे। तो दो वेरिएबल है मेरे पास, इंट ए एंड इंट बी, डबल इंट डबल आई नहीं होता, एक होता है। और ये रिटर्न क्या करेगा, मुझे ये रिटर्न करेगा कुछ इंटीजर वैल्यू। अभी के लिए इंटीजर में ही हम काम करेंगे, रिटर्न एक्सपेक्ट किया लॉन्ग, मतलब लॉन्ग भी रख सकते हैं ऑफकोर्स अगर आपकी वैल्यू बड़ी होगी तो, बट इंट इंट में ही काम कर लेते हैं अभी के लिए। वो तो हम समझ जाएंगे, समझदार लोग हैं, अगर ऐसा हुआ कि मान लो कि आंसर बहुत बढ़ाने लगा तो लॉन्ग कर लेंगे रिटर्न टाइप, बट अभी के लिए इंट रख रहे हैं। चलो तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे ना स्मॉल आंसर निकाल के दे दे, स्मॉल आंसर। और मैंने अपने पावर बेसिक को लगा दी कॉल और मैंने बोला यार ए रेज़ टू पावर बी माइनस वन मुझे ढूंढ के दे दे। तो भाई मेरा दोस्त है समझदार, उसने बोला ठीक है यार कर देता हूँ तेरा काम मैं, और उसने कर दिया। अब मैंने क्या करा, स्मॉल आंसर को मल्टीप्लाई कर दिया ए से, क्योंकि मुझे इतना पता था कि जो उसने ए रेज़ टू पावर बी माइनस वन निकाल के दिया है ना, अगर मैं उसको ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए रेज़ टू पावर बी बन जाएगा। चलो अब इस चीज़ को हम देखते हैं अपने स्टैक डायग्राम की तरफ, बेसिकली रिकर्सिव डायग्राम, रिकर्सिव ट्री कह लो इसको, स्टैक डायग्राम में ज़्यादा बेहतर समझ में आता है ऐसा मैं मानता हूँ, और सही मानता हूँ मेरे को लगता है। चलो देखते हैं, तो मेन आया, मेन ने ऑफकोर्स इसको कॉल किया होगा, पावर को कॉल किया होगा और उसको ए रेज़ टू पावर बी पास किया होगा। तो मैं ए बी को मैं क्या मान लेता हूँ, टू रेज़ टू पावर टेन मान लेता हूँ कि भाई मैंने टू रेज़ टू पावर टेन को कॉल किया। अब इसको मैं पी पी लिख के काम करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पी टू कॉमा टेन को कॉल करा और इसने क्या करा, इसने टू कॉमा नाइन कॉल कर दिया। ठीक है चलो कोई नहीं, फिर टू कॉमा नाइन कॉल हुआ, इसने टू कॉमा एट कॉल कर दिया, कोई इशू नहीं है। पावर ऑफ टू कॉमा एट, तो इसने टू कॉमा सेवन कॉल कर दिया। फिर पावर ऑफ टू कॉमा सेवन, इसने टू कॉमा सिक्स कॉल कर दिया। पावर ऑफ टू कॉमा सिक्स, इसने टू कॉमा फाइव कॉल कर दिया। पावर ऑफ टू कॉमा फाइव, इसने टू कॉमा फोर कॉल कर दिया। पावर ऑफ टू कॉमा फोर, इसने इधर टू कॉमा थ्री कॉल कर दिया। और ये सिलसिला चलता ही रहेगा, फिर टू कॉमा टू कॉल कर देगा, कोई रुकने वाला तो नहीं है, कब रुकेगा वही देखना मुझे। पावर ऑफ टू कॉमा टू पे गया तो इसने टू कॉमा वन कॉल कर दिया, खैर इसका आंसर मैं जानता हूँ, बट कोई नहीं, आगे चलते हैं। और मैं जब आगे गया ना, मैंने पावर ऑफ टू कॉमा वन मांगा, इसने किसको कॉल कर दिया, इसने कॉल कर दिया, इसने बोला भाई टू कॉमा जीरो ले लो। अब टू कॉमा जीरो के पास मैं गया तो एक बात जरा सोच के देखो, पता नहीं, मुझे नहीं पता किसने बोली है, बट जितना मुझे पता है एनी नंबर रेज़ टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन, एनी नंबर, इस दुनिया का कोई भी नंबर अगर उसकी पावर जीरो कर दी जाए तो वो वन होता है। तो यानी कि ये तो मैं जानता हूँ, ये तो बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी हो गई मेरे लिए, ये तो मैं जानता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने वन रिटर्न कर दिया। अब स्मॉल आंसर ने वन कैच करा और उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, टू इधर आया तो मैंने रिटर्न करा टू, इसको फिर दोबारा टू से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज ए की वैल्यू तो हमेशा से टू है, टू तो कभी चेंज ही नहीं हुआ। फोर हुआ, इधर आया फोर मल्टीप्लाई टू कर दिया विच इज इक्वल टू एट, एट मल्टीप्लाई टू कर दिया जो कि होता है सिक्सटीन, सिक्सटीन को मल्टीप्लाई टू करा तो ये होता है हमारा थर्टी टू, थर्टी टू यानी कि थर्टी टू को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट वन ट्वेंटी एट, इसको टू से मल्टीप्लाई करोगे तो टू फिफ्टी सिक्स मिलना चाहिए, इसको टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फाइव हंड्रेड ट्वेल्व मिलना चाहिए, इसको टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई गेट वन जीरो टू फोर जो कि मेन ने करा रिसीव, और बाकी सारे फंक्शन ऊपर के डेड हो गए। एट द एंड क्या होगा, एट द एंड ये होगा कि जो फंक्शन जो मेरे डेड होते जा रहे थे, ये जो मेरे फंक्शन यहाँ पे डेड होते जा रहे थे, सब के सब डेड हो गए, सब के सब, कोई नहीं बचा, फाइनली प्रोग्राम भी हमारा डेड हो गया। तो मेरे को बेस केस मिल गया, मेरा बेस केस क्या होना चाहिए कि अगर अगर बी आपका जीरो हो गया तो ऑब्वियस सी बात है मुझे रिटर्न क्या कर देना चाहिए, वन कर देना चाहिए। तो ये मेरा आंसर है, तो आपको इससे पावर निकल जाएगा। अच्छा मैं इसको लिखने का एक तरीका और बताऊँ, इसी चीज़ को लिखने का, वन लाइनर कोड, बिल्कुल वन लाइनर कोड लिख के देखते हैं। सो वन लाइनर कोड लिखना हो अगर आपको तो मैं क्या करता हूँ, वन लाइनर कोड के लिए मैं तो सिंपली बोलता हूँ कि रिटर्न करो इफ बी इज इक्वल टू जीरो तो वन रिटर्न कर दो, अदरवाइज अदरवाइज क्या करो, पावर बेसिक को लगाओ कॉल, उसमें बी माइनस वन करो, मल्टीप्लाई कर दो ए से, दिस इज वन लाइनर कोड, सिंपल।
तो वन लाइनर कोड है ये आपका, ये आपको पावर बेसिक निकाल के दे देगा। तो देखो एक लाइन के अंदर कहता है ये मेरा बेस केस हो गया, ये मेरा रिकर्सिव कॉल हो गया, और रिकर्सिव कॉल को ए से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया। तो अब हाँ, अगर आपने कभी इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, अगर आपने टर्नरी ऑपरेटर कभी नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए और समझिए कैसे वर्क कर रहा है। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल वैसी फंक्शनलिटी होगी, तो छोटा सा टास्क आपके लिए कर लेना। चलो अब आगे मूव करते हैं इसके बेटर वर्जन की ओर। बेटर वर्जन का मतलब क्या कि अच्छा इसको इसको ऑप्टिमाइज कैसे करूँ मैं, ऑप्टिमाइज कैसे क्यों करना है ऑप्टिमाइज, पहले तो ये जानते हैं। अगर मैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, चलो स्पेस की तो बात बाद में करेंगे, अभी के लिए ना टाइम की बात करते हैं। तो हो क्या रहा है कि ना मैं अपने, मुझे नहीं पता है पावर बेसिक फंक्शन कितना टाइम लेगा, मैं बोलता हूँ भाई टी एन टाइम लेगा, मैं नहीं जानता कितना टाइम लेने वाला, मतलब टी एन टाइम लेता होगा कुछ, ये कितना लेगा फिर, ये वाला फंक्शन बोलेगा कि भाई मैं तो ना टी ऑफ एन माइनस वन टाइम लूंगा, ये कितना लेगा, ये ओ वन टाइम ले लेगा, ऊपर एक बेस केस लगाया था वो भी ओ वन टाइम ले लेगा। तो टोटल टाइम जो निकला मेरा वो निकला टू प्लस, बिकॉज वन प्लस वन टू प्लस टी ऑफ एन माइनस वन विच इज काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट, लेट इट बी लैम्डा प्लस में टी ऑफ एन माइनस वन, हेयर इट इज टी एन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम तो क्या करेंगे, बोलेंगे भाई टी ऑफ एन माइनस वन निकालना, अगर टी ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू चाहिए विच इज इक्वल टू लैम्डा प्लस टी ऑफ एन माइनस टू, अगर आपको टी ऑफ एन माइनस टू की वैल्यू चाहिए विच इज इक्वल टू लैम्डा प्लस में टी ऑफ एन माइनस थ्री, अगर आपको टी ऑफ एन माइनस थ्री की वैल्यू चाहिए विच इज इक्वल टू लैम्डा प्लस में टी ऑफ एन माइनस फोर एंड सो ऑन, विच इज ऐसा करते करते एक दिन टी वन हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा और ये हो जाएगा टी ऑफ जीरो, और यहाँ पे आके हमारा रिकर्सन रुक जाता है। तो देखो टी ऑफ इससे हो क्या रहा है, सॉरी कट काट गया, यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कट गया, क्योंकि जब मैं सबको एडअप करूंगा, क्योंकि मुझे पूरा टाइम निकालना है ना, तो आपने क्या करा होगा, आपने इस टी ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू यहाँ पुट करी होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करी होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करी होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करी होगी, राइट। पुट करने का मतलब क्या होता है, एल एच एस आर एच एस को क्या कर दो, एडअप कर दो, सिंपल एड करा एड करा एड करा, ऐसा करते करते सब कुछ कट गया, बच क्या गया टी ऑफ एन इक्वल टू, ये लैम्डा कितनी बार एड हुआ होगा, आप जरा सोचो अगर मैं एक नंबर को एन टाइम्स कम करता चलूँ, ऐसे एन टाइम्स कम करता, एक एक से कम करता चलूँ, तो कितने स्टेप लगेंगे उसको कम होने में, जितने नंबर की वैल्यू होगी, यानी कि अगर एन नंबर है तो एन स्टेप लगेंगे उसको कम होने में, यानी कि उसको एन लैम्डा स्टेप लगे, और ये होगा टी ऑफ जीरो, टी ऑफ जीरो इज ओ वन का स्टेप। तो टोटल टाइम जो निकल कर आ रहा है मेरा वो आ रहा है बिगो ऑफ लैम्डा एन, जिसको मैं लिख सकता हूँ बिगो ऑफ एन, यानी कि ये मेरी आ गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अच्छी बात है, यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं टू रेज टू पार 100 निकालना चाहता हूँ तो उसमें 100 यूनिट टाइम लगेगा, यूनिट टाइम क्यों बोलना, क्योंकि मुझे नहीं पता यार सिस्टम कितने ऑपरेशन, मतलब एक चीज को कैलकुलेट करने में कितने ऑपरेशन करेगा, मतलब पता नहीं आगे जाके वीडियो कब कौन कौन देखेगा, उस टाइम पे क्या ऑपरेशन चल रहा होगा मेरे को नहीं पता। तो मैं आज के हिसाब से सिंपल सेफ खेलते हुए क्या बोलूंगा कि भाई ये 100 यूनिट टाइम लेगा, अच्छा 1000 हुआ तो 1000 यूनिट टाइम लेगा, अच्छा 2 रेज टू पार 10 रेज टू पार 6 हुआ तो 10 रेज टू पार 6 यूनिट टाइम लेगा। अब ऐसा मान लेते हैं कि एक ऑपरेशन होने में 1 सेकंड लगता है, जस्ट 4 सेकंड मान लेते हैं, क्या जा रहा है मानने में, 1 सेकंड लगता है, यानी कि 10 रेज टू पार 6 सेकंड लगेंगे उसको सॉल्व होने में, बहुत ज़्यादा है, 100 हो गया तो बहुत ही ज़्यादा है। खैर इतना नंबर तो स्टोर ही नहीं हो पाएगा, बट स्टिल मान लेते हैं हमारे पास है कुछ जो स्टोर कर लेगा है, मतलब स्टोरेज की टेंशन नहीं लेते हैं अभी के लिए, बस ना सोचते हैं कैलकुलेशन में कितना टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम है, इसको करेंगे ऑप्टिमाइज। कैसे करते हैं, तो इसमें टोटल कितना लगा, अगर मान लो मैं इसको ऐसा बोलता 10 रेज टू पार 6, तो इसका मतलब हो गया इसको 10 रेज टू पार 6 यूनिट सेकंड लगेगा, इसको इतना टाइम लगा, इसको करेंगे ऑप्टिमाइज। तो हाउ वी आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज दिस, तो ऑप्टिमाइज करने के लिए ना एक हम लॉगरिथमिक फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि अभी के लिए मैंने क्या बोला, मुझे निकालना था पावर ऑफ ए रेज टू पार बी निकालना था, तो मैंने अगेन अपने दोस्त को कॉल करा, मैंने बोला दोस्त सुन ऐसा करेगा क्या तू, कैन यू फाइंड आउट, कैन यू फिगर आउट द पावर ऑफ ए रेज टू पार बी बाई टू, वो बोलेगा हाँ बिल्कुल, और उसने मुझे आंसर निकाल के दे दिया। तो मैंने दोस्त को कॉल करा था ये करने के लिए, तो मैंने अपने दोस्त को कॉल करा और बोला यार ये निकाल के दे दे मुझे, तो मैंने किसको कॉल करा, अपने दोस्त को कॉल करा, बेसिकली रिकर्सन को कॉल करा, और मैंने बोला प्लीज़ ये कर दे यार, उसने बोला ठीक है भाई कर देता हूँ, और उसने मुझे एक स्मॉल आंसर निकाल के दे दिया। अब वट एवर द स्मॉल आंसर आई एम गेटिंग आई मल्टीप्लाइड इट विद इटसेल्फ, तो होगा क्या, ये जो स्मॉल आंसर आया इसको मल्टीप्लाई कर दो इसी स्मॉल आंसर से, कूल। सो अगर आपने अपने आप को ही खुद से ही मल्टीप्लाई कर लिया तो होगा क्या, इफ एनी नंबर रेज टू पार समथिंग एक्स मल्टीप्लाइड बाई अगेन एक्स तो इट बिकम 2x, राइट, ये तो होता है, ए रेज टू पार एक्स को अगर आप ए रेज टू पार एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए रेज टू पार 2x बन जाएगा, बात तो बिल्कुल सही है। बट ना छोटा सा कैच है यहाँ पर, कैच ये है कि सपोज करो मुझे निकालना है 3 रेज टू पार 8, ये मैं निकालना चाहता हूँ, तो भाई मैंने क्या करा, ये मुझे टास्क मिला था तो मैंने अपने दोस्त को कॉल करा और दोस्त को मैंने बोला यार तू 3 रेज टू पार 4 निकाल दे, इसे बोला निकाल देता हूँ 3 रेज टू पार 4 निकाल के, इसने दे दिया 3 रेज टू पार 4 को, मैंने 3 रेज टू पार 4 से मल्टीप्लाई करा, आई गेट 3 रेज टू पार 8, बात तो बिल्कुल सही है। बट अगर मुझे 3 रेज टू पार 9 निकालना होता तो मैंने अपने अगेन दोस्त को कॉल करा और मैंने बोला दोस्त यार तू ना 3 रेज टू पार 9 मत निकाल, 3 रेज टू पार 9 बाय 2 निकाल, पर 9 बाय 2 जब हम सिस्टम में कैलकुलेट करते हैं ना तो इंटीजर में डिवाइड होती है चीज़ें, 9 बाय 2 स्टिल 4 आएगा, बोले बोलेगा 3 रेज टू पार 4 ही निकाल के दिया मैंने तो, और मैंने इसको मल्टीप्लाई करा 3 रेज टू पार 4 से, आई स्टिल गेट 3 रेज टू पार 8, प्रॉब्लम समझ में आया, छोटा सा कैच क्या था, जब आपने 9 बाय 2 करा तो स्टिल यू गेट 4, और 8 में भी आप 4 मिल रहा है आपको, तो फंस गया मैं तो यहाँ पर यार, एस मेरे हिसाब से तो क्या होना चाहिए 3 रेज टू पार 9 मिलना चाहिए था, मैथमेटिकली आप बिल्कुल सही हो, मैथमेटिकली आप बिल्कुल सही हो, क्यों, क्योंकि जब मैं 3 रेज टू पार 9 करता हूँ उसका हाफ करता हूँ तो आई गेट 3 रेज टू पार 4.5, मुझे ये मिलना चाहिए था, राइट, और उसको 3 रेज टू पार 4.5 से मल्टीप्लाई करता तो 9 मिलता, बट क्या हुआ गलती हो गई कि जब मैंने 3 रेज टू पार मतलब एक और नंबर को जब मैंने हाफ किया तो आई गेट 4.5, कैन यू राइट दिस 3 रेज टू पार 0.5, बिल्कुल कर सकता हूँ राइट, क्यों नहीं कर सकता यार, कैन आई राइट दिस 3 रेज टू पार 4 3 रेज टू पार 4 डॉट 3 रेज टू पार 1,
यानी कि जब ऑड नंबर आता है ना तो आपको एक एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये होगा डबल करने वाला, स्मॉल आंसर को स्मॉल आंसर से, क्योंकि आपको यही तो मिल रहा था, यही तो इक्वेशन मिल रही थी आपको, सेम इक्वेशन आ गई, एक एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इसको समझा मैं पावर ऑप्टिमाइज्ड, यानी कि यही सेम कोड मैंने करा कॉपी, आप मत करना, फिर से लिखना फॉर बेटर प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा होता है कि फिर से लिखो, मेरे को आता है तो जो भी थोड़ा बहुत आता है, इसलिए ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी, कभी कभी काम ऐसा ही करता हूँ, स्मॉल आंसर और स्मॉल आंसर को स्मॉल आंसर से क्या मल्टीप्लाई। और जब रिटर्न करने की बारी आएगी ना, अगेन आई यूज टर्नरी ऑपरेटर कि भाई देखो अगर बी मॉडुलस 2 ना इक्वल इक्वल टू 0 है, तो बेसिकली इवन नंबर है ना, तो क्या करना, स्मॉल आंसर जो भी आंसर है ना स्मॉल आंसर को स्मॉल आंसर मल्टीप्लाई करना, तो जो आंसर आया वही रिटर्न कर दो, अदरवाइज स्मॉल आंसर को मल्टीप्लाई कर देना ए से, बस इतना कर दो, हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा ऑप्टिमाइज्ड ऑप्टिमाइज कैलकुलेशन। अब बात ये है, मुद्दे की बात ये है, इसको चला के देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा और फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जानेंगे तो इट्स बेटर। तो देखते हैं, देखो तो सबसे पहले जब मैंने इसके अंदर इसका रिकर्सिव स्टैक जो है पावर ऑफ 2^10 निकालना था, विच इज इक्वल टू मेन, एंड आई कॉल पावर ऑफ 2^10, ये किसको कॉल करेगा, अच्छा इसको बाय 2 कर लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी, मैं वहाँ पे भी कर देता हूँ इसको बाय 2। सो इधर आए और मैंने यहाँ पर पावर ऑफ 2^5 निकाला, पावर ऑफ 2^5, देखो सीधा 5 पे पहुँच गया मैं, 5 की जंप, कमाल है, ये 2^2 पे पहुँच गया, पावर ऑफ 2^2 ये हो गया मेरा पावर ऑफ 2^1, अच्छा जी पावर ऑफ 2^1 ये हो गया मेरा 2^0, और पावर ऑफ 2^0 ये तो बेस केस सेट हो गया, यहाँ से रिटर्न हुआ 1 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 1 से, और बिकॉज हेयर 1 इज अ ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 इज अ ऑड नंबर देन मल्टीप्लाई होगा 2 से, अगेन रिटर्न हुआ यहाँ पर 2, अब फिर क्योंकि मेरे स्मॉल आंसर ने कैच करा है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करा मैंने खुद से, बिकॉज यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, एक इवन नंबर है, बिकॉज b इज अ इवन नंबर हियर, कुछ करो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, सिंपल 4। अब जरा ठहर के सोचते हैं, सही आ रहा है सर, पावर ऑफ 2^2 इज 4, करेक्ट आ रहा है भाई, सही आ रहा है, चलो आगे चलते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बिकॉज 5 इज अ ऑड नंबर लेट मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैंने क्या करा 4 मल्टीप्लाई 4 विच इज इक्वल टू 16, 16 मल्टीप्लाई 2 32 आना चाहिए, तो ये आया 32। अब जरा ठहर के सोचते हैं, क्या पावर ऑफ 2^5 32 ही होता है, हाँ 32 ही होता है, 32 को मल्टीप्लाई करा 32 से, बिकॉज हेयर नंबर इज 10, 10 जो होता है वो कैसा है, एक इवन नंबर है, तो भाई 32 मल्टीप्लाई 32 1024 होना चाहिए, होता भी होगा, होता ही होगा, 1024 ही होता है वैसे तो, 1024 आया और बाद में सारे फंक्शन अपने आप ही डेड होते चले गए, जैसे फंक्शन खत्म हुआ वैसे डेड होते चले गए, और 1024 मेरे मेन को मिल गया आंसर। तो आप चाहो तो इसको चला के भी देख सकते हो, ये आपके सामने ए हो जाएगा 2 और बी हो जाएगा आपके पास 10, राइट, एंड मैं यहाँ पे एक आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर पावर ऑप्टिमाइज ले लेता हूँ, ए बी पास कर लेते हैं और इसको कॉल कर लेते हैं आंसर, तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके ना टाइम की बात करते हैं, कितना टाइम लगेगा, देखो इस फंक्शन ने TN टाइम लिया होगा कुछ, तो फंक्शन बोलेगा भाई देख मेरे को तो TN टाइम लगता है, मैं बोलूँगा ठीक है तेरे को कितना लगा, तेरे को O1 टाइम लगता होगा कुछ, क्योंकि बार बार कैलकुलेट एक यूनिट ऑफ टाइम लगता होगा, इसको लगता है टी ऑफ एन बाई टू टाइम, क्योंकि ये अगर एन ले रहा है ना तो ये एन बाई टू ले रहा होगा, इसमें O1 का स्टेप लगता होगा, इसके अंदर भी O1 का स्टेप लगता होगा, तो हेयर टी ऑफ एन इज इक्वल टू 1+1+1 विच इज इक्वल टू 3 प्लस में टी ऑफ एन बाय 2, बात तो बिल्कुल सही है, एन इज अ कांस्टेंट नंबर, इसको तो लैम्डा बोल देता हूँ यार, है ना, पता नहीं ये स्पेस भी तो कैलकुलेट, ये स्पेस में तो टाइम गया होगा मेरा कुछ, गया होगा एक यूनिट, यहाँ भी कुछ एक यूनिट गया, लैम्डा बोल देते हैं, क्या जा रहा है, टी ऑफ एन बाय 2 इज इक्वल टू टी ऑफ एन। अब जरा सोचो एन बाय 2 निकालने के लिए क्या करूँ, इस इक्वेशन में एन बाय 2 पुट कर दो विच इज इक्वल टू लैम्डा प्लस में टी ऑफ एन बाय 4, इस इक्वेशन में फिर टी ऑफ एन बाय 4 पुट कर दो, यू गेट लैम्डा प्लस में टी ऑफ एन बाय 8 एंड सो ऑन, फाइनली एक दिन ये T1 हो जाएगा, एक दिन ये लैम्डा हो जाएगा, एक दिन ये T0 हो जाएगा, ऐसे करते करते तो ये क्या हुआ, देखो इससे सबको जब मैं ऐडअप करूंगा LHS और RHS को तो सब कट जाएगा, सब कुछ खत्म, टी ऑफ एन इज इक्वल टू ये कुछ लैम्डा हुआ कुछ के टाइम्स मेरा लैम्डा कॉल हुआ है प्लस में ये टी ऑफ 0 विच इज इक्वल टू O1 एक मिनट ऑफ टाइम। अब मेरे को पता है क्या जानना है, ये के कितने स्टेप लगे, एक कितने स्टेप लगे एन को, एन नंबर था अगले बार वो एन बाय 2 हो गया, उसके अगली बार एन बाय 4 हो गया, उसके अगली बार एन बाय 8 हो गया, उसके अगली बार एन बाय 16 हो गया, ऐसे करते 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 एक दिन 4 हुआ, एक दिन 2 हुआ, एक दिन 1 हुआ, कितने स्टेप लगे इसको यहाँ तक पहुँचने में। तो माई फर्स्ट नंबर ए ऑफ 0 इज एन, माई लास्ट नंबर विच इज इक्वल टू के विच इज इक्वल टू 1 एंड माई रेशियो इज 1/2, देन ए फॉर्मला क्या होता है, फॉर्मला होता है ना सिंपल सा, ए नॉट इज इक्वल टू आर रेशियो बाय के माइनस 1 होता है, तो ये मेरा फॉर्मला हो गया, तो इस फॉर्मले में वैल्यू पुट कर दो, ए ऑफ के इज इक्वल टू 1, ए नॉट इज इक्वल टू एन, आर इज इक्वल टू 1/2 के माइनस 1, तो 2^k-1 बिकॉज से 2^k-1 इधर जाएगा इस तरफ की ओर विच इज इक्वल टू एन। अब सॉल्व कैसे करूँ, लेट्स टेक लॉग बोथ साइड ऑफ बेस 2, लॉग 2 बेस ऑफ 2^k-1 इज इक्वल टू लॉग 2 बेस ऑफ एन, एंड क्या हुआ के माइनस 1 बिकॉज पावर है तो लॉग में आगे आ जाता है, लॉग 2 बेस ऑफ 2 इक्वल टू लॉग 2 बेस ऑफ एन। अब ये तो कट गया, तो विच इज इक्वल टू k-1 इज इक्वल टू लॉग 2 बेस ऑफ n एंड k इज इक्वल टू लॉग 2 बेस ऑफ n प्लस 1, तो कितने स्टेप लगेंगे, लेट्स पुट दिस वैल्यू हियर, सो t ऑफ n टाइम इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ लॉग 2 बेस ऑफ n प्लस में 1,
प्लस में टी नॉट, टी नॉट में वो एक यूनिट ऑफ टाइम लगा था। तो अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालू ना, लैम्डा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, एन की वैल्यू चाहे 25 करोड़ हो, चाहे 1 लाख करोड़, चाहे 10 लाख करोड़ हो, फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा इज ऑलवेज 3, 4, 5 ऐसा नंबर होगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये भी हमेशा फिक्स ही रहेगा। तो लेट्स इग्नोर दिस वैल्यू ना, बिगो नोटेशन ही तो कहता है इग्नोर कर दो, ये फालतू के जो कांस्टेंट होते हैं जो इंडिपेंडेंट है इनके ऊपर, इग्नोर इट, कर दिया इग्नोर, लॉग 2n आया, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, विच इज अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक वे ऑफ कैलकुलेटिंग ए रेज़ टू पावर वी, विच इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी, हमारी लॉग आई है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है। वैसे मजे की बात बताऊं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इतनी ही आई है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी क्यों आई है, आप देखो ना स्टैक के ऊपर वेरिएबल्स एक बार में कितने क्रिएट करे थे, आप ऐसा बोलोगे स्पेस तो मैंने लिया ही कहाँ, भाई लिया है स्पेस, ध्यान से देख, आपने जब अपना प्रोग्राम रन किया होगा तो अचानक से तुमने मेमोरी कंज्यूम करनी स्टार्ट करी होगी, राइट, एक बार पीक आया होगा, फिर पीक के बाद वो फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है और फिर से कांस्टेंट हो गया। तो वो जो पीक आया था उस टाइम पे आपने टोटल कितनी मेमोरी कंज्यूम करी थी, उस टाइम पे जो मैंने मेमोरी कंज्यूम करी थी वो करी थी जितने वेरिएबल स्टैक पे बने थे, कितने वेरिएबल स्टैक पे बने थे, लॉग, लॉग ऑफ एन वेरिएबल स्टैक पे बने थे। तो ये मेरा टाइम, अगर मैं इसके रिकर्सिव स्पेस की बात करूँ ना, रिकर्सिव स्पेस परफेक्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिकर्सिव स्पेस की बात कर रहा हूँ, रिकर्सिव स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लॉग 2n ही होगी, क्योंकि रिकर्जन में स्टैक में एक बार में कितने वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं, मेरे लॉग वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं, तो मेरे स्टैक की हाइट गई है, लॉगरिथमिक हाइट गई है, तो यही इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है। सो ये था लॉग का फंक्शन। तो आई थिंक सही ठीक ठाक एक्सप्लेन कर दिया होगा मैंने, समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना पहली बार आया हो तो, जितना हो सके दोस्तों साथ शेयर करो, अपने कॉलेज ग्रुप, अपने स्कूल ग्रुप, जो भी ग्रुप है आपके पास टेलीग्राम से लेकर हर जगह, वहाँ पे जाकर उन शेयर कर दो वीडियो बस। अच्छा, मैं इसको ना गिट पे अपडेट कर रहा हूँ और मैं आपको बता देता हूँ गिट की जो भी चीज़ें हैं मैं गिट पे डाल देता हूँ, ताकि आपको ये डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाए। तो ये डॉक्यूमेंट, वट एवर द डॉक्यूमेंट इट इज़, ये नोट्स की तरीके से यहाँ पे क्रिएट करके जस्ट अ मिनट, हियर इट इज माय नोट्स एंड ये गया इधर। सो अब ये सब गिट पे जा चुका है, आप गिट प्रोफाइल को यहाँ पे देख सकते हो। सो इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो ये रहा, ठीक है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इस तक पहुंच जाओ और आप इस कोड को, नोट्स को एक्सेस कर पाओ। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप भी, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट्स प्रोवाइड करता रहूँगा, जैसे कोई वीडियो आ गई या फिर कुछ भी, कुछ वैसे नई चीज़ है वो मैं वहाँ पे अपडेट्स प्रोवाइड करता रहूँगा। सो टेलीग्राम ग्रुप को पक्का ज्वाइन कर लेना एंड इस गिटहब को फॉलो कर लो एंड साथ के साथ इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे बाकी अपडेट मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।